हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग कार्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा सिटी 2040 आईवीटेक मॉडल। ये एसवी मॉडल है, पेट्रोल में आती है। ये कार कैसी है आज हम इसका रिव्यू करेंगे। ये इस कार का फ्रंट लुक है, आगे आपको होंडा का लोगो मिलता है। ये कार का साइड लुक आप देख सकते हैं। ये चेरी रेड कलर में कार है मेरे पास, मैं इसे पिछले साल से यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी हेडलाइट्स देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल हेलोजन बल्ब आते हैं येलो कलर्स के, एक लो बीम, एक हाई बीम और एक इंडिकेटर। साइड प्रोफाइल आप देखेंगे इस गाड़ी का, तो टायर जो साइज़ है ये 15 इंच के टायर हैं और ये एलॉय व्हील्स के नहीं आते। हम गाड़ी के पीछे चलते हैं, आप गाड़ी का पीछे का लुक देखिए, कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखती है पीछे से। पार्किंग स्पेस कम होने की वजह से आपको फुल कार नहीं दिख पा रही है। आइए डिक्की खोल के देखते हैं गाड़ी की। 510 लीटर का बूट स्पेस आपको इस कार में मिलता है। कार में मैंने बेस ट्यूब लगा रखा है, जिसका वीडियो मैं आगे डालूंगा। कार में डिक्की में आपको एक लाइट मिलता है, जो आपको रात में काफ़ी हेल्प करता है सामान निकालने करने में। इस कार में सेंसर्स भी आते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। साथ ही साथ इस कार में डिफॉगर्स आते हैं, ये आपको फॉग से बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहता है फॉग में। आइए हम कार के अंदर चलते हैं हम। सो फ्रेंड्स, मैं ड्राइविंग सीट पर आ चुका हूँ। आप स्टीयरिंग पर देख रहे हैं कुछ कंट्रोल्स हैं। लेफ्ट साइड में म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल है। ये इस कार का कंसोल है, स्पीडोमीटर। राइट हैंड साइड इसमें लाइट का लीवर है, हेडलाइट से रिलेटेड, और लेफ्ट हैंड साइड में इसके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स रहेंगे। इसमें मिरर्स जो हैं वो फोल्डेबल होते हैं, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल कर सकते हैं इसे। चार पावर विंडोज आती है इसमें, प्लस साथ ही साथ नीचे आप लीवर्स देख सकते हैं, एक पेट्रोल का है और एक बोनट का है। ये इस कार का म्यूजिक प्लेयर है, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है पर सेंसर जरूर आते हैं। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, जो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेसेस प्लस यूएसबी पोर्ट। ये गियर लीवर आप देख सकते हैं, साथ ही हैंड ब्रेक और कुछ स्टोरेज स्पेस, और ये आर्म रेस्ट के नीचे भी आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस। आइए इसका ग्लव बॉक्स चेक करते हैं। तो ये ग्लव बॉक्स में भी सफिशियंट स्पेस है, आप आपके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। आइए कार के पीछे चल के देखते हैं, बट उसके पहले ये मिरर जो है, डे नाइट रिवर्स व्यू मिरर आता है। ड्राइवर साइड, को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिलेगा। ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता। आइए हम पीछे चल के देखते हैं कि कार पीछे से कैसी है। आगे का सीट कंफर्ट बहुत अच्छा था इसमें। अब मैं पीछे आ चुका हूँ गाइज, आप जैसे देख सकते हैं कार का आगे पीछे से कुछ इस तरीके से दिखती है। पीछे इसमें आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, 3 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं इस कार में। मेरी हाइट 6 फीट है, फिर भी आप मुझे देख सकते हैं मैं कितनी आराम से बैठा हूँ। ये सीट पूरी पीछे है, फिर भी मुझे नी रूम बहुत मिल रहा है और हेडरूम भी बहुत अच्छा है। हैंडरेस्ट भी आपको इस कार में मिल जाता है, अगर पीछे 2 लोग बैठते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली। पीछे साथ ही साथ आपको कार में 4 स्पीकर्स और हर डोर पे पावर विंडो के स्विचेस मिलेंगे। इसका एसी खूब बहुत ही पावरफुल है। सो गाइज, ये था होंडा सिटी 2014 का रिव्यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।